हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गुलशी स्टडी स्टडी गुलचा। ये हमारा सीरीज ट्रिपल सी की, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट 15 है आज, और इसमें 15 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन हैं। देन 2021 के एग्जाम के आए हुए भी क्वेश्चन हैं, और 2021 में जितने भी कंप्यूटर के रिलेटेड एग्जाम्स होंगे सभी में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेट यूज एज द प्रोटोकॉल इंजन। इंटरनेट को एज अ प्रोटोकॉल इंजन यूज करता है, तो उसको करता है स्लिप, HTTP या फिर TCP/IP, PPP। तो TCP/IP को इंटरनेट पर एज अ प्रोटोकॉल इंजन यूज किया जाता है, क्योंकि इसी के अंदर में सारी प्रोटोकॉल्स आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में फंक्शन इंसर्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? उसके लिए शॉर्टकट की तो होगी Ctrl+F2। ठीक है, तो Ctrl+F2 का यूज करके आप लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो टेम्पलेट में किस तरह की फाइल एक्सटेंशन यूज होती है, तो उसमें एक्सटेंशन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी .ott की। .ott के नाम से ही टेम्पलेट सेव होते हैं आप लिब्रे ऑफिस राइटर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? तो डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन क्या होता है? सच एज जैसे कि हमारा .com, .org, .in, .edu, तो ये जो सारे डोमेन्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं अपने, जैसे कि yahoo.com, gmail.in या फिर yahoo.in, yahoo.info, ये सारे क्या है? डोमेन नेम्स हैं। तो इस तरह के जो हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है किसी भी एड्रेस के लिए, तो वो होता है हमारा डोमेन, डोमेन नेम सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डीएनएस की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो वो होता है राइटर। राइटर इज यूज एज वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज द मार्जिन इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। मार्जिन क्या होगा लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में? मार्जिन क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें मार्जिन .5, .0, 1.5 या फिर 1, तो 1 मिलेगा। जैसे कि हमारा वर्ड एमएस वर्ड होता है, तो उसमें क्या होता है कि एमएस वर्ड में मार्जिन मिलता है हमें, वैसे ही लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन में या फिर राइटर में आपको मार्जिन मिल जाएगा 1 का, डिफॉल्ट मार्जिन जो होता है। जैसे कि अभी ये मार्जिन है कि इससे इधर इतना गैप छुटा है, इससे इधर ऊपर इतना छुटा है, ये सारा क्या है? मार्जिन। तो इसमें आपको 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज वेबसाइट होम पेज कॉल्ड। वेबसाइट का जो होम पेज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज को ही होम पेज कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज। और होम पेज को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या होगा आपका? बेस क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है हमारा 16। और हेक्साडेसिमल नंबर में 1 से 9 तक तो होते हैं डिजिट्स, और A to F तक होती है लेटर्स, तब ये हमारा 16 बेस बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखता है। वो इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW, और WWW के फादर किसको कहा जाता है? टिम बर्नर्स ली को, बिकॉज टिम बर्नर्स ली वॉज इन्वेंटेड द WWW। ओके, इन्होंने ही WWW का इन्वेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखता है। 10 में क्या है? इन लिब्रे ऑफिस फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट यूजिंग द सिंबल।
जैसे कि एमएस एक्सेल होता है, तो एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए हमें इक्वल टू का साइन लगाना होता है। उसी तरह अगर हम लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेशन वाले में अगर हम किसी फॉर्मूला को स्टार्ट करें तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना पड़ेगा, तो इक्वल टू का ही साइन आएगा। चाहे आप लिब्रे ऑफिस में हो या आप एमएस एक्सेल में हो, आपको इक्वल टू के साइन से ही फॉर्मूले को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस में बिट्स कितनी होंगी, 32 बिट्स। 32 बिट्स का सिस्टम होता है IPv4 एड्रेस पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू NEFTs। अब NEFT के थ्रू हमें पैसे ट्रांसफर करना है तो मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है, हम कम से कम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप 10,000 करें, 1,000, 400, 500, 50,000 या फिर 1 लाख। मैक्सिमम की लिमिट है 2 लाख से ज्यादा आप NEFT नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप कम से कम 100 रुपए, 50 रुपए कितना भी आप NEFT कर सकते हैं, इसलिए मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो नन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आउटलुक एक्सप्रेस इज, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, तो आउटलुक एक्सप्रेस एक ईमेल क्लाइंट है, ठीक है, जिससे कि ईमेल तैयार करके हम मल्टीपल्स लोगों को अलग अलग टाइम पर अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ सेंड कर सकते हैं। तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। क्वेश्चन नंबर 14, अनसोलिसाइटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज, तो अनसोलिसाइटेड कमर्शियल ईमेल किस नाम से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं स्पैम, ठीक है। अनसोलिसाइटेड कमर्शियल ईमेल्स को हम स्पैम भी कह देते हैं, और ये अनवांटेड ईमेल्स होते हैं कई बार, जो कि अनचाहे तरीके से ही हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं और परेशान करते हैं, कई बार वायरस भी ले आते हैं अपने साथ में, तो इनको हम स्पैम बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज दिस वीडियो कंटेन्स 15 क्वेश्चंस एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सटेंशन क्या होगी, तो ये होगी .odp। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको एक्सटेंशन मिल जाती है .odp की, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हमारे हो गए जो कि आज आपको दिखने हैं। हमारे ओल्ड ट्यूटोरियल्स हैं, माय ओल्ड ट्यूटोरियल्स एंड प्लेलिस्ट, MSWorld 2019, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जूनियर मैथ, चिकन, करंट अफेयर्स, टॉप मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो, CCC के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और लास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।